नमस्कार दोस्तों, कांगोने फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि हमने जितने भी ओपन गले की जो ड्रेस होते हैं उसकी आपको कटिंग बताई हुई, हमने कटिंग के साथ में आपको स्टिचिंग भी बताई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो है हमारा पूरा कोर्स जो है ओपन गले का हो जाता है। अब हम कन्वर्ट हो जाते हैं बंद गले की तरफ, यानी जो हमारा एडवांस कोर्स आता है उसमें। अब देखते आ गए हैं आज तक हमने जितने भी ओपन गले की जो ड्रेस होते हैं उनकी आपको कटिंग बताई है। आज जो है तो हम आपको बंद गले के और जो है लेके जाने वाले, यानी कि आपको जब बेसिक हो जाता है तो उसके बाद में हम आ जाते हैं एडवांस की तरफ। अब एडवांस यानी क्या होता है कि हमें शोल्डर कैसे लेना होता है, कॉलर कैसे लेनी होती है, बोटनेक कैसा होता है या कोट स्लीव कैसी होती है, ये सभी चीजें अगर आपको सीखना होता है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को क्लिक करना होता है। जैसे हमारे वीडियो बनते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो आज जो है तो हम जाने वाले हैं बंद गले की तरफ और आपको हम सिखाएंगे बंद गला। तो बंद गला किस तरह से कटिंग होता है इसके बारे में हम आपको पहले आज तो जानकारी देंगे, उसके बाद में ऐसे ही हमारा धीरे धीरे जो है सभी प्रकार के ड्रेस जो होते हैं वो कटिंग होते हुए जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपको लाइक भी करना होता है और शेयर भी करना होता है। तो यहाँ पे आज सीखते हैं हम बंद गला। तो हमने जो है यहाँ पे लाइनिंग लिया हुआ है और ये 2 मीटर लाइनिंग है। आप देख सकते हैं इसकी घड़ी हमने कैसे लगाई है। देखिए ये पूरी तरह से इस तरह से ओपन हमने इसे किया है। अब ये डबल घड़ी पे हमारा कपड़ा होता है। अब हम इसे चौबल घड़ी करेंगे, यानी हम इसे और एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है बैक अलग कटिंग करनी होती है और फ्रंट अलग कटिंग करनी होती है। तो अब हम फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे और बैक कैसे कटिंग करेंगे इसे सबसे पहले समझते हैं। देखिये सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा फ्रंट साइड और उसके बाद में हम निकालेंगे बैक। आपने देखा होगा आज तक कि यहाँ पे जो ड्रेस कटिंग किया जाता है तो दोनों का शोल्डर जो है सेम कटिंग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके अंदर अलग अलग शोल्डर कैसे कटिंग करना होता है, यानी कभी भी आपको बैक साइड जो है फ्रंट से 1 इंच ज्यादा रखना होता है। वो क्यों रखना होता है, क्योंकि शोल्डर का जो साइज होता है वो हमारा बैक से बड़ा होता है, इसलिए उसे हमें ऊपर की ओर लेना होता है तब ये हमारा सेंटर में बराबर आता है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम कभी भी अगर ड्रेस पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी कॉलर जो है बैक साइड में चली जाती है। तो वो बैक साइड में क्यों चली जाती है इसका कारण आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे फ्रंट। अब फ्रंट लेने के लिए हमें इसे सिंगल घड़ी करना होगा, यानी एक ही घड़ी हमने ली है। अब इसके अंदर हमें लेना है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तो यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे हमें मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट को समझना होगा। तो देखिए ये हमारा जो है इसके अंदर मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे लंबाई हमने ली है 40 इंच की, चेस्ट भी हमारा 40 इंच का है, कमर हमारा 35 है, सीट का मेजरमेंट हमने 45 इंच लिया है, हमारा आर्म अराउंड 19 इंच का है, शोल्डर जो है 17 है और उसके बाद में बॉडी लंबाई हमारी 15 इंच की है और साइड कट जो है तो वो हमारा 22 इंच का है। तो ये मेजरमेंट जो होता है तो हमने इसके अंदर आपको मेजरमेंट समझाया हुआ। आप हमने ये मेजरमेंट जो है तो हेल्दी मेजरमेंट लिया हुआ है ताकि आप अगर ये हेल्दी मेजरमेंट काट रहे हो तो आपको किस तरह से कटिंग करना होता है ये इसके अंदर हम आपको समझाने वाले हैं। आप सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर लेनी होती लंबाई, लंबाई हमारी 40 इंच की है तो लगभग हम यहां से यहां पे 40 इंच का मेजरमेंट डालेंगे और यहाँ पे 40 इंच के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिये यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने जो है एक सीधी लाइन खींची है। अब ये सीधी लाइन खींचने के बाद हमें जो है शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है 17 इंच, तो सिंपली हमें 17 का आधा करना है 8.5 और इसके अंदर आधा इंच लेना है सिलाई मार्जिन। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया। अब लगभग ये हमारा कितना है, तो हमारा ये 8.5 है, तो हम यहाँ पे मुंडा खोली जो है तो आधा इंच इससे कम करके डालेंगे, यानी 8 इंच के ऊपर यहाँ पे हम मुंडा खोली देंगे और ये लगाएंगे सीधी लाइन। अब देखिए ये सीधी लाइन लगा दी हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना मेजरमेंट डाला हुआ है उतना मेजरमेंट हम यहाँ पे भी डालेंगे, यानी शोल्डर से आधा इंच कम करके हम यहाँ पे माप डालेंगे और यहां से यहाँ पे ये सीधी इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस लाइन हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्रॉस लाइन ही लेना है ताकि ये ज्यादा बाहर ना जाए और यहाँ पे आपका गैप कम ना पड़े। और दूसरा बात ये भी होती है, अगर ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है तो यहाँ पे हमारा चूनी आना स्टार्ट हो जाता है,
ये बातों को जो है आपको समझना है। अब सबसे पहले हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हमारी 40 इंच की है, तो सिंपली हम 40 का चौथा भाग करेंगे और यहाँ पे एक इंच प्लस करेंगे। हम जब भी बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लेते हैं तो एक इंच उसमें प्लस ही करते हैं। अब जो है यहाँ पे हम 10 प्लस 1 11 के ऊपर माप कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 11 इंच के ऊपर मार्जिन किया, 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ली। अब मुझे लेना है बॉडी लंबाई। अब बॉडी लंबाई मैंने जो है यहाँ पे आपको लिख के दी हुई है और बॉडी लंबाई हमारी 15 इंच की है, तो 15 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हमने साइड कट भी लिखा हुआ है और वो भी हमने 22 इंच के ऊपर लिया है। तो ये लाइन पहले तो हम सीधा कर लेते हैं। ये लाइन हो गई हमारी कमर की और ये लाइन हो गई हमारी सीट की। अब कमर हमारी 35 इंच का है, तो 35 का अगर हम चौथा भाग करेंगे तो वो हमारा 1.25 इंच आएगा, प्लस हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1.25 पे ऊपर मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन करेंगे। अब जो है तो यहाँ पे हम करते हैं बात सीट की, तो सीट हमारा 45 इंच का है, तो 45 का चौथा भाग करेंगे तो वो आएगा 1.25 इंच। तो इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते, सीट में हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम 1.25 के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और 1 इंच ही सिलाई मार्जिन लेंगे और ये लाइन हम सीधी लेंगे। अब यहां से हम घेर लेंगे स्ट्रेट यानी सीधा। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमने जो है आपको फ्रंट कैसे निकाला जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। अब हमें सबसे पहले यहां पे आधा इंच का, सॉरी यहां पे बाही का आकार देना है। ये आकार दिया आपको पूरी तरह से राउंड में अच्छा दिखना चाहिए, इस तरह से आपको इसे लेना है। उसके बाद में यहां पे लगभग हम खंदा उतार देंगे और वो रहेगा 1.25 इंच का, आप 1 इंच भी दे सकते हो। यहां पे ये होने के बाद हम लेंगे यहां पे चेस्ट का 12वां भाग। अब 40 का 12वां भाग हमें लेना है और हम 40 का 12वां भाग यहां पे ले रहे हैं 1.75 और 1 पॉइंट यहां। अब यहां से क्या करेंगे हम इसको जो है क्रॉस लाइन लेंगे, यानी इसे हम खंदा उतार कहते हैं। अब हमारा राउंड मुंडा है कितना, तो हमारा राउंड मुंडा यहां पे 19 इंच का है, तो हमारा ये आना कितना चाहिए, तो ये करेक्टली हमारा 9.5 इंच आना चाहिए। तो यहां पे हम 9.5 इंच इसे गिन के देख लेते हैं। चलिए तो ये 9.5 करेक्टली यहां पे आ चुका है। आप कहेंगे कि अब इसके अंदर सिलाई मार्जिन नहीं है, तो हम आपको सिलाई मार्जिन कैसे ऐड करते हैं ये भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बैक सॉरी फ्रंट को कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में आपको समझाएंगे कि यहां पे हमने सिलाई मार्जिन दोनों का शोल्डर का कैसे लिया। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। अब जो है तो हमने जहां जहां पे मार्किंग किया वहां पे हम लगाएंगे छोटी छोटी नॉच। ये नॉच जो होते हैं तो आपको किस लिए लगते हैं कि हमें कमर का माप कहाँ पे है, चेस्ट का माप कहाँ पे, इससे हमें पता चलता है। अब गले का भी मार्किंग करेंगे। अब ये हमने फ्रंट तो कट कर लिया है, अब हमें बैक कटिंग करना है। तो आपको बैक देखना होगा ध्यान से कि हम कैसे बैक कटिंग करते हैं। इसे हम रखेंगे इस तरह से। अब ये रखने के बाद हमें लेना है हमारा यहाँ पे फ्रंट, और फ्रंट जो है तो हम रखेंगे इसके ऊपर, देख सकते हैं हमने इसके ऊपर इसे रखा हुआ है। अब ये रखने के बाद मुझे जो है यहाँ पे इसे 1 इंच ऊपर जो है लेना है। अब देखिए मैं ये मेरा यहाँ पे गले का गैप है, इस गले के गैप को मैं एक सीधा लाइन यहाँ पे खींचूंगा और दूसरा जो है तो मेरा ये शोल्डर का माप है तो इसे भी मैं इसे खींच रहा हूं और सेम मार्किंग जो है मैं यहाँ पे इसे बना के लूंगा, यानी जैसे है वैसे यहां पे मार्किंग में करके लेता। तो देखिए यहां पे जो है हमने इसका मार्किंग करके लिया है। अब अगर हम इसे साइड में कर लेते हैं तो आपको यहां पे ड्रेस का आकार दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इसमें क्या करना है कि हमें बैक साइड को 1 इंच बढ़ाना है, यानी देख लीजिए जो सिलाई मार्जिन होती है ना वो हमारी इसके अंदर आएगी। 1 इंच बढ़ाने से क्या होगा, फ्रंट का हमारा 1/2 इंच और बैक का 1/2 इंच, ये दोनों मिला के हमारा 1 इंच हम यहाँ पे बैग में बढ़ाते हैं। और आपको कभी भी अगर बंद गले का अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आपको इसी तरह से कटिंग करना बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या होता है कि हमारी कॉलर कभी भी बैक साइड में खींची हुई नहीं जाएगी,
ये आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड हमारे पास कम बजट वाले जो कपड़े हम खरीदी करते हैं तो उसमें हमें हमेशा मिलता है कि हमारे जो है कॉलर बैक साइड में चली जा रही, यानी खींच रहा है ड्रेस। तो आपका ड्रेस क्यों खींचा जाता है बैग में, तो आप यहाँ पे एक इंच बढ़ा के नहीं लेते हैं, या आपने कहीं पे स्टिचिंग किया है और आपने उसे पहन के देखा तो हमारा बार जो है लगभग ड्रेस पीछे के और खींचा हुआ आता है। तो इसका कारण ये होता है कि आप अगर यहाँ पे सही से नहीं बढ़ाएंगे तो आपका ड्रेस कभी भी पीछे खींचा हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक इंच मुझे लेना है और यहाँ पे एक इंच लेना है, तो ये लाइन जो है तो मुझे यहां पे इस तरह से क्रॉस में देनी है। अब ये लाइन क्रॉस में देने के बाद मुझे जो है यहां पे राउंड कर लेना है और ये मेरा बैक साइड का गला होगा। आप जो है तो आपको सिंपली इसे लेना है और यहां से कट करके रखना है। अब हम इसे कंटिन्यू जैसी जैसी मार्किंग है वैसे वैसे यहां पे कट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो है हमने इतनी सिलाई की मार्जिन जो है इसके अंदर बढ़ाई हुई है, यानी ये हमारी बैक साइड होगी। याद रखना है आपको, ये बैक साइड है हमने जिसको बढ़ाया उसे, और जो हमने यहां पे कम करके लिया वो हमारा फ्रंट है। तो आप इसमें बचता है कि हमारा आगे का सेप, देखिए हमने दोनों पार्ट तो सेम काटे, अब हमें यहां पे फ्रंट सेप काटना होता है। तो उसके लिए हम यहां से लगभग 1.25 इंच अंदर लेंगे, 1.25 इंच कम, और यहां से यहां पे इसे मिला देंगे। अब ये मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसे देना है अंदर से सेप, यानी लगभग हमारा 1.25 इंच का यहाँ पे होता है सेप। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का यहाँ पे हमने लिया है सेप। तो ये जो है तो हमने यहाँ पे सेप दिया है, अब हमें क्या करना है इसे अंदर से काट देना, यानी ये हमारा बनता है फ्रंट सेप। और ये आपको जो है तो कटिंग करने के बाद देना है, आपका जब फ्रंट दोनों साइड बैग और कटिंग होती है उसके बाद में आपको इसे सेप देना है। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे फ्रंट का सेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये लाइनिंग की कटिंग खत्म होती है। अब हम लेंगे हमारा मेन फैब्रिक होता है उसके ऊपर कटिंग करके आपको दिखा देंगे। आप देखिए ये मेरा जो है फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा अंदर का साइड है, यानी सीधा साइड ये है। कभी भी आप कटिंग करेंगे तो उसे आप जो है उल्टी घड़ी करेंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है तो हमने इसे कटिंग करने के लिए इस तरह से जो है डबल घड़ी ली है। अब इस घड़ी को मैं और एक बार फोल्ड करूंगा तो यहाँ पे मेरे दो भाग जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप जो साइड का जो कपड़ा बचेगा तो यहाँ पे मेरी 3/4 स्लीव्स बन सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे कम कपड़ा लूंगा और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं आप इस कपड़े को लूंगा और इसके ऊपर इसे रखूंगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे इस तरह से बिछा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहां से इसे पहले तो कट कर लेना है। देखिए यहां से हम कट करेंगे, ये पहला हम पूरा राउंड कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग किया है, और अब हमें जो है फ्रंट साइड कैसे कटिंग किया जाता है ये दिखाना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से इसे उठाएंगे और इसमें से एक पीस हम निकालेंगे साइड में। ये एक पीस साइड में हमें क्यों निकालना है कि एक होगा हमारा बैक और दूसरा होगा हमारा फ्रंट। तो यहां से हम इसे साइड कर देते हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहां पे हमने इसे साइड में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे लेंगे यहां पे फ्रंट और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। अब ये रखने के बाद जो है तो ये हमारा क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा। तो जितना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम यहां से कट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो है तो ये हमारा फ्रंट है और जो अंदर है वो हमारा बैग है। आप मैं इसे फिर से जैसे कि वैसे यहां पे रख दूंगा और आप देख पाएंगे कि ये जो होता है तो हमारा बैक साइड यहां पे बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और फ्रंट हमारा कम यहां पे नजर आपको आ रहा होगा, देख रहे हो। तो इस तरह से जो है आपको इस ड्रेस की कटिंग करना होता है। आप हमें समझना है स्लीव्स, और स्लीव्स जो है तो यहां पे हम बनाएंगे 3/4। अब देखिए यहां पे हमें स्लीव्स कटिंग करना है, इसे भी हमने डबल घड़ी डाली हुई है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है स्लीव्स का जो है माप लेना है। अब हमारी स्लीव्स लेंथ जो है वो 15 इंच की है, तो यहां पे सबसे पहले हम 15 के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं और उसके ऊपर हमें 1.5 इंच ज्यादा लगेगा, यानी 1 इंच हमें नीचे का और फोल्ड करने के लिए लगेगा और आधा इंच ऊपर के और सिलाई के लिए लगेगा। तो ये मार्किंग करने के बाद आपको जो है यहां से यहां पे लेनी है आपकी लंबाई, जो भी होती है वो लंबाई लेना है आपको। तो लंबाई लिया है हमने 15 इंच का, आधा इंच सिलाई के लिए लिया है।
अब हमें मुंडा खोली डालना है, तो मुंडा खोली हम लगभग यहाँ पे 4 इंच के ऊपर डालेंगे। ये माप करने के बाद जो है मुझे जो है यहाँ पे डालना होता है राउंड मुंडा। अब मेरा राउंड मुंडा कितना है, तो राउंड मुंडा जो है यहाँ पे 19 इंच का है, तो सिंपल है हम 19 का आधा करेंगे तो 9.5 होगा, उसमें से हम लगभग 1.25 इंच कम कर दे। अब देखिए ये कम करने के बाद आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन भी लेना होता है। आप ये कम करने के बाद हमें ये चेक करना है कि कहीं हमारी आर्म राउंड बढ़ तो नहीं रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 3 इंच तक आप एक लाइन देंगे यहां से, और यहां से हम जो है थोड़ा सा इसे 1.25 इंच तक इसे क्रॉस करेंगे, और यहां से हम इसे ये भी इस तरह से लाइन करेंगे। तो यहां पे आपको जो है इस तरह से एक त्रिकोण दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे थोड़ा सा नॉर्मली आप इसे राउंड कर दीजिए। तो ये होता है हमारा शेप। अब हमें क्या करना है, इसे नीचे राउंड लेना है। अब राउंड जो है तो वो हमारा 12 इंच का है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे और आगे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हम सीधी कर लेते हैं और ये लाइन भी हम सीधी कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये सीधी लाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहां से इसे कट कर लेना है। सबसे पहले इस राउंड को कट कर लेते हैं, तो इस तरह से जो है आज की ये कटिंग जो है हमारी यहां पे एंड हो जाती। आपने स्लीव्स भी सीखा है, यानी स्लीव्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका बंद गला हो या ओपन गला हो, स्लीव्स जैसे कटिंग होती है वैसी कटिंग होगी। और अब हमें दोनों दो पीस उठाने और आगे का इसमें शेप देना है। आगे का ये फ्रंट शेप होगा, हम इसे यहां से नॉच देंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा फ्रंट साइड है। तो आज का वीडियो जो है हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे कटिंग किया जाता है। आई होप कि आप सभी को यहाँ पे ये सब समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। देखिये आप सभी ने देखा होगा हमारा ओपन गले का जो पार्ट है वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हम एडवांस की तरफ आ चुके हैं, यानी बंद गले की तरफ आ चुके हैं, और बंद गले के आपको यहाँ पे बैक टू बैक सभी ड्रेस दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे आज जो है हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल।